जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ में आपकी जो जितनी पोस्ट होती हैं जीरो से लेकर हाई लेवल तक की, और किस पोस्ट पे आपको क्या काम करना पड़ता है, किस पोस्ट का क्या पावर रहता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सर आप प्रत्येक पोस्ट वाइज क्या क्या वर्क रहता है और उसके साथ साथ किस पोस्ट की कितनी पावर रहती है, इसके ऊपर एक वीडियो लाइए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक पोस्ट और उसका काम और उसकी पावर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार सीआरपीएफ में जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक की पोस्ट रहती हैं और किस पोस्ट का क्या वर्क रहता है, क्या पावर रहती है, किसको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कहाँ से, आपके जीडी कांस्टेबल से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जीडी कांस्टेबल यहाँ पर आपका सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। अब दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपका जो कांस्टेबल है और सीनियर कांस्टेबल, इन दोनों का वर्क कॉमन रहता है 19-20 का रहता है। कहने का मतलब इनकी जो ड्यूटीज रहती हैं, जैसे कि एससी के नीचे इन दोनों की ड्यूटी रहती हैं, हेड आपके जो कांस्टेबल हैं और सीनियर कांस्टेबल, जो सारे के सारे एच आपका सी आता है, हेड कांस्टेबल इनके नीचे आते हैं। और इनकी जो सामान्य सी ड्यूटी रहती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी आपको कहीं पे भी सिपाही वर्ग के रूप में, गार्ड के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कहीं पे भी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जहां पर ट्रेनिंग होती है वहां पर ले जाया जा सकता है, मतलब कि आपको गार्ड के रूप में वहां पर नियुक्त कर देंगे। और दोस्तों, आपको कभी कभी जैसे कॉमन सी ड्यूटी रहती है, गार्डन में पानी वगैरह देना इत्यादि, ये सारे काम किसके रहते हैं, आपके कांस्टेबल जीडी। ओके, और इसके बाद दोस्तों आप प्रमोशन की बात करें कि इससे प्रमोशन आपका कब तक हो जाता है, तो करीबन करीबन आपको यहाँ पर 10 से 15 साल देना होता है, तब जाके आपका प्रमोशन होता है एससी के लिए। चलिए, ये तो हो गया किसका, आपका जेडी का। अब इसके बाद एससी का काम आता है। दोस्तों, एससी का काम भी जेई है क्या, 19-20 का यहाँ पर फर्क रहता है। आपका जो एससी होता है, हेड कांस्टेबल होता है, इसके नीचे आपके कांस्टेबल आ जाते हैं, ये खड़ा होकर ड्यूटी देता है। ओके, मतलब कि ये काम करवाएगा इनसे, इसका वर्क जे होता है एच सी का। अब इसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, तो दोस्तों आपका जैसे कि मैंने बोला है, एस सी कांस्टेबल होता है, उसके ऊपर वाली रैंक होती है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसको हम दोस्तों ऐसा नियुक्त किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं पे जैसे एस सी नहीं है तो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको नियुक्त किया जा सकता है। ओके, और आपकी बात की जाए कि रैंक की, तो आपका जे एक रैंक ऊपर होता है आपका ASI किससे, HC से, हेड कांस्टेबल से एक रैंक आप होती है ASI की। इसकी ड्यूटीज भी आपकी जे ही है कॉमन सी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, जैसे कभी आपका SC कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं है तो उसकी जगह जे ले लेता है, ये सारे के सारे वर्क होते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, SI सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों हम बात करें किसकी, SI की, सब इंस्पेक्टर की, आखिरकार इसकी क्या क्या पावर होती है। सबसे पहले आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होता है। ओके, और आपका ASI 1 स्टार होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ से स्टार स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो सब इंस्पेक्टर होता है, इसके अंडर में बात करें 3 ASI आते हैं, 3 आपके ASI आ जाएंगे और आपके करीबन करीबन 5 से 6 हवलदार आते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंडर में रहते हैं जी। और बात करें सिपाही की, तो दोस्तों सिपाही भी इसके अंडर में करीबन करीबन 8 से 10 सिपाही आते हैं ना, तो 10 सिपाही समझ लो इसके अंडर में आते हैं और आपके 6 आते हैं क्या, हवलदार, और इसके 3 ASI इसके अंडर में आते हैं। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है, जैसे कोई बड़ी पार्टी है कहीं पे जा रही है आ रही है, तो वहां पर दोस्तों इसका नियुक्त किया जाता है एज अ कमांडर। उसकी ड्यूटी रहती है कि उनके आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की, चाहे फिर वो बाय रोड, बाय बस, आपके बाय ट्रेन, एयरप्लेन इत्यादि, कहीं पे भी जैसे भी जाना आना हो रहा है, इसकी ड्यूटी वहां पर नियुक्त होगी। विशेष परिस्थितियों में जैसे ज्यादा, बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत जा सकती है, जनता एकत्रित हो रही है, तो आपके इंस्पेक्टर को भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जैसे कि इंस्पेक्टर की, तो सबसे पहले फर्क इसमें ये होता है कि इसमें 2 स्टार रहते हैं और इसमें रहते हैं 3 स्टार, एक डिफरेंस ये हो जाता है। और आप लोग बोलेंगे, सर एक कंपनी में कितने इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, तो आपको बता दें एक कंपनी में करीबन करीबन 3 इंस्पेक्टर क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। अब दोस्तों 3 के हिसाब से आप समझ सकते हैं, 3 प्लाटून होंगे और इसके हिसाब से प्रत्येक में एक में आपका इंस्पेक्टर एज अ
प्लाटून कमांडर आपका नियुक्त किया जाएगा, ओके, ड्यूटी करेगा। और आपको बता दें विशेष परिस्थितियों में आपका जो एसआई होता है वो भी आपके इंस्पेक्टर की जगह वर्क कर सकता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया आपका क्या, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। अब दोस्तों यहाँ से दूसरी वाली जो आपकी रैंक है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम जीओजी रैंक बोलते हैं। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर जीओजी रैंक में आपके असिस्टेंट कमांडेंट की, आखिरकार इसका क्या काम होता है, क्या वर्क होता है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों एक कंपनी होती, तो एक कंपनी में ये नियुक्त किया जाता है और उसका पूरा का पूरा चार्ज इसी के ऊपर रहता है। कहने का मतलब इसी के ऊपर रहेगा, किसको कितनी छुट्टियां देनी है, वेलफेयर वगैरह सारा का सारा इसी के हैंड ओवर रहता है, जो कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट होता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है क्या, डिप्टी कमांडेंट। तो दोस्तों बात करते हैं डीसी की, तो इनका यहाँ पर दोस्तों हेडक्वार्टर में रहते हैं जैसे कि आपको पता होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आरएएफ एंड कोबरा में एक आपका जो बोला जाता है कंपनी कमांडेंट की जगह डिप्टी कमांडेंट भी ड्यूटी कर सकता है। अब इसमें और इसमें जो फर्क हो गया, अब इसके बाद आता है आपका क्या, 2IC रैंक। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड इन कमांडेंट। जैसे कि दोस्तों आप पता चल गया होगा सेकंड कमांड, दोस्तों इनके ऊपर जितना भी आपका जो फाइनेंशियल चार्ज है जो सारा का सारा इन्हीं के हाथों में रहता है। जैसे कि आपको पता होगा जो बटालियंस होती हैं, किसमें कितना पैसा देना है, किसको कितना देना है, कितना निकालना है, किसका कितना काटना है, जो आपके जो सारे के सारे चेक हैं उन पर इनके सिग्नेचर, और इसके साथ साथ आपके बाउचर पर सिग्नेचर इत्यादि, इनका जो वर्क होता है किसका होता है, आपके 2IC का। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्या, कमांडेंट CO। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर कमांडेंट की ड्यूटी आपका जो बटालियन रहता है, बटालियन के मालिक होता है कौन, आपका CO, पूरी की पूरी बटालियन का मालिक होता है। और इसके अंदर में दोस्तों आप 6 से 7 कंपनियां आती हैं, 6 से 7 कंपनियां CO के अंडर में आती हैं, और पूरी बटालियन का यहाँ पर जो क्या होता है, मालिक होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जितने भी आपके कंपनी अधिकारी होते हैं यहाँ पर इसी के अंडर में आते हैं, इसी के अनुसार काम करते हैं, जैसा जी बोलता है वैसे ही उनको काम करना पड़ता है। और यदि कोई गलती होती है, मिस्टेक्स होती है, तो जो भी सजा निर्धारित की जाती है इसी के द्वारा दी जाती है, मतलब कि सजा देने की पावर भी इसके पास होती है और काम करवाने की पावर भी इसके पास होती है। और 6 से 7 कंपनियां इसके अंदर में आती हैं, किसके, कमांडेंट SU के। अब इसके बाद आता है क्या, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG। जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा ये बहुत ही पावरफुल रैंक है आपकी। आपको बता दें यहाँ पर आपका जो DIG होता है, इसके अंदर में दोस्तों रेंज और ग्रुप में बैठता है, कभी कभी रेंज और ग्रुप में बैठता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 4 से 5 कमांडेंट होते हैं इसके अंडर में, कितने, 4 से 5 जे हैं इसके अंदर में, 4 से 5 आते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा सिस्टम चलता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों IG इंस्पेक्टर जनरल, ओके। तो दोस्तों बात करते हैं IG की, तो दोस्तों आपको बता दें जो IG होता है सेक्टर में बैठता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो CRPF सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका लखनऊ सेक्टर हुआ, आपका भोपाल सेक्टर हुआ, उड़ीसा इत्यादि, यहाँ पर सेक्टर में डिवाइड किया गया है, तो ये सेक्टर में बैठता है। और आपको बता दें एक सेक्टर में आपके कितने CRPF सेंटर हैं, वह इसी के अंडर आते हैं, जो सारे के सारे एक सेक्टर में सेंटर हैं इसी के अंदर में आते हैं, किसके, आपके IG के, इंस्पेक्टर जनरल के अंडर में आते हैं जितने भी आपके सेंटर होते हैं CRPF के एक सेक्टर में। अब इसके बाद लास्ट आपकी जो रेंज आती है क्या, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर DG की। यहाँ पर भी दो प्रकार के हैं क्या, आपका एक होता है SDG और एक होता है DG। तो दोस्तों DG के नीचे रहता है SDG, कहने का मतलब इंस्पेक्टर आपका स्पेशल ड्यूटी, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर आपका स्पेशल डायरेक्टर जनरल SDG। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है क्या, जोन का अधिकारी होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 4 जोन है आपके, 4 जोन में यहाँ पर एक एक जोन में एक आपका SDG बैठता है, मतलब स्पेशल डायरेक्टर जनरल SDG, एक जोन में एक आपका बैठेगा क्या, SDG। अब इसके भी ऊपर होता है क्या, DG। अब DG क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा DG आपका मुख्यालय में बैठता है। और आपका कहाँ पे है मुख्यालय, दिल्ली में, आपका CRPF आपका जो मुख्यालय है वहां पर आपका DG साहब वो बैठते हैं। अब जो कुछ भी आपके दोस्तों काम चलते रहते हैं, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ये सारे के सारे कार्य करते रहते हैं। और कभी कोई बड़ा आदेश निकालना है, जारी करना है, तो डायरेक्ट आपके DG के यहाँ से निकलता है।
दोस्तों ये तो थी वो आपकी रैंक और रेंज जो कि मैंने आपको बताई है, आपकी कांस्टेबल से लेकर आपके डीजी तक का सफर, मतलब कि किसको कितनी पावर है और किसका क्या काम है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करते जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना, और यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको आपको बतलाएंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।